तो वेलकम करते हैं आज की टेक न्यूज में आप सबका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से आज की टेक न्यूज। तो जी हाँ दोस्तों, जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो IQ की तरफ से कि IQ 7 पाकिस्तान में आने वाले हैं, और ऑफिशियल चाइना से इसकी कुछ स्पेक्स निकल के आ रही है वो आपको मैं बताता हूँ। ये पहले होने वाला है स्नैपड्रैगन 888 पे, 6.62 इंच का एमोलेड स्क्रीन इसमें होने वाला है, फुल HD 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है इसमें, और 48 मेगापिक्सल मैन कैमरा होगा, 13 अल्ट्रा वाइड है और 2 13 पोर्ट्रेट है, और जो फ्रंट निकल के आ रहे हैं वो 16 मेगापिक्सल और 4000 इसकी बैटरी निकल के आ रही है, और 120 वोल्ट का आपको फास्ट चार्जिंग इसमें मिल जाएगा, और एंड्रॉयड 11, और जो वेट इसका निकल के आ रहा है वो है 209 ग्राम, और जो 8128 है, दो वेरियंट आएंगे इसके, जो 8128 की कीमत है वो है 3899, जो पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो 94,000 का बन रहा है, और दूसरे वेरियंट की प्राइस मुझे पता है पर वो कौन सा वेरियंट होने वाला है वो मुझे पता नहीं है। तो दूसरे वेरियंट की प्राइस है 4200 यूनान, सो उसको कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तान में सो 1,03,000 का बन रहा है। तो देखते हैं हम किस प्राइस पर हमें पाकिस्तान में मिलते हैं। और बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है वो रेडमी के 14 के बारे में, कि ये प्रो रेडमी के 14 दुनिया का सबसे सस्ता तरीन स्नैपड्रैगन 888 पे मोबाइल होने वाला है, ऑफिशियल इसके लॉन्च अगले मंथ में है, और इसकी कुछ चीज़ें बाहर आई हैं स्पेक्स वो आपको मैं बता दूं। सो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा, 120 हर्ट्ज का OLED पैनल आपको मिलेगा, 4000 बैटरी मिलेगी आपको इसमें, और जो रेट निकल के आ रहे हैं 3000 यूनान कन्वर्ट किए जाए पाकिस्तान में तो 74,000 का आपको पड़ रहा है। तो सच में ये कम बजट स्मार्टफोन है। तो बढ़ते हैं आगे, जो अगली न्यूज है दोस्तों आईफोन सी 2021 के बारे में निकल के आ रही है, 20 में भी आया, 21 में भी आने वाला है, तो यही होने वाला है, ए बायोनिक चिप A14 पे होने वाला है, और ये 2-3 मंथ में आएगा। अभी देखते हैं ये कितनी न्यूज़ ये सच निकलती है और कितनी फेक निकलती है चाइना से हमें मिली है। और बढ़ते हैं आगे, जो दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है मीडिया तक के तरफ से निकल के आ रही है कि 20 जनवरी को और प्रोसेसर चिप्स वो लॉन्च करने वाला है, जैसे 2020 में इसने लीड किया तो शायद हमें लग रहा है 2021 में भी लीड करने वाला है, और इस पे पहले हमें रियलमी का मोबाइल मिलने वाला है, और शायद इस चिप का नाम होगा Dimensity 1200 और 6 mm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा, जो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो देखते हैं किसके टक्कर में मीडिया टेक वाले बनाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो है सैमसंग की तरफ से, कि सैमसंग A32 5G में 4 कलर आपको मिलेंगे, जो आपके स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, और इसमें आप NFC भी कर सकते हैं, डायमेंसिटी 720 जी 5G चिप पे होने वाला है, और 5000 इसकी बैटरी होने वाली है, और 4GB 6GB रैम वाला वेरियंट होने वाला है, 64 और 128GB वाला रोम वाले वेरियंट होने वाले हैं, और 6.5 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको मिलने वाली है। और जहाँ तक इसकी और चीज़ों की बात करें तो 48 मेगापिक्सल मैन कैमरा होगा, 8 अल्ट्रा वाइड, 5 माइक्रो, 5 डेप्थ सेंसर, और जो फ्रंट निकल के आ रहे हैं वो है 20 मेगापिक्सल। तो ये कुछ इसकी डिटेल्स थी वो भी आपको मैंने बता दी है। सो बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ तक दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है वो भी है सैमसंग की तरफ से, कि सैमसंग 200 मेगापिक्सल कैमरा IOCO ने बोला है कि 200 मेगापिक्सल पर हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको 200 मेगापिक्सल के कैमरे हमारे मिल सकते हैं। तो हमें देखना है 2021 में सैमसंग कितने कैमरास लॉन्च करेगा, बहुत कैमरास का बोले कि हम लॉन्च करने वाले हैं सेंसर, तो 200 मेगापिक्सल भी आपको शायद 2021 में ही मिलने वाला है, सैमसंग काम पे लगा हुआ है। और बढ़ते आगे दोस्तों, जो अगली न्यूज़ निकाल के आ रही है वो है रियलमी रेस प्रो के बारे में, तो इसकी स्पेक्स कुछ बाहर आई है तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। 125 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको मिलेगा, 12 GB की रैम, LPDDR5 मिलेगा आपको, और एंड्रॉयड 11 UI 2.0 पे मिलेगा, स्नैपड्रैगन 888 पे आपको ये मिलने वाला है, और 5000 इसकी बैटरी होने वाली है, जो बहुत ज़्यादा बैटरी होगी, और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलने वाला है, जो बहुत सही है। और बढ़ते आगे, जो अगली न्यूज़ है वो है वीवो Y51S के बारे में, जो ये अवेलेबल हो चुका है पाकिस्तान में, 4000 इसकी प्राइस है, तो 8128 वेरियंट की, और IPS LCD 6.58 इंच का आपको मिल जाता है, 16 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट जो बहुत कम है, और 48 मेगापिक्सल मैन कैमरा मिलता है, 8 अल्ट्रा वाइड 2 माइक्रो, और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट मिल जाता है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो बहुत कम है, और 40000 इसकी प्राइस है, जो प्राइस भी इन लोगों ने ज़्यादा लगाई है और चीज़ें भी बहुत कम दे रहे हैं, और स्नैपड्रैगन 662 पे है शायद ये।
और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ तक। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों, आईफोन 13 से निकल के आ रही है, उसमें जो A15 चिप लगा होगा तो वही 5 mm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ट होगा। जैसे A14 5 mm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है, तो A15 भी 5 mm टेक्नोलॉजी पे बड़ा होगा, पर उसमें होगा प्लस, तो थोड़ा पावरफुल होगा A14 से। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है सैमसंग से निकल के आ रही है, 65 वोल्ट के फास्ट चार्जर पे सैमसंग काम कर रहा है। तो बहुत जल्दी हमें 65 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग सैमसंग की तरफ से भी मिल सकते हैं, ये लीक हुआ है, आप देख सकते हैं। और पबजी मोबाइल का नया अपडेट आ चुका है, 1.2 वेरियंट, तो आप देख सकते हैं बढ़िया ज़बरदस्त हो चुका है। 250 MB का अपडेट है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तानी मज़े कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और बढ़ते आगे दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है LG की तरफ से निकल के आ रही है कि LG रोलेबल स्मार्टफोन, तो आप देख सकते हैं, तो ये वही सिस्टम है जैसे ओप्पो का रोलेबल आया है, तो आप क्लिक करते हैं तो खुल जाता है, बंद हो जाता है। ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसका डिस्प्ले थोड़ा बंद कर देते हो ना, आप मोबाइल की तरह ही लगता है, ज़्यादा निकला हुआ नहीं है। तो अगली न्यूज़ है CES से निकल के आ रही है, 2021 में सैमसंग माइक्रो LED 110 इंच का LED TV उनका बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। 110 इंच पता नहीं कितना जगह लेने वाला है कमरे में, तो देखते हैं किस प्राइस पे मिलता है और क्या खासियत होगी इसमें। और जो हमारी लास्ट न्यूज़ है आज, वो है MeetIn के बारे में। वही इसने 200 करोड़ का बिजनेस कर रही है, वही MeetIn ने, तो सेल में अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और 200 करोड़ का बिजनेस इसने क्यों किया है। 108 MP आपको इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं, और स्नैपड्रैगन 750 GB आपको मिलता है, तो बिजनेस तो करेगा ना 200 करोड़ का, तो कंपनी को पता नहीं कितना फायदा होगा, 200 करोड़ ने लिया है, 200 करोड़ बंदों ने। तो आज की न्यूज़ इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए बिना किसी देरी के।